अस्सलाम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको विजुलाइजेशन के बारे में बताऊंगी, यानी कि डाटा विजुलाइजेशन, कि एक डाटा को किस तरह से आप विजुलाइज कर सकते हैं और किस तरह से उसको मैप कर सकते हैं बिफोर अप्लाइंग एनी कोई भी उस पर मॉडल अप्लाई करने के लिए, और उसकी क्यों ज़रूरी है और उसकी डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि विजुलाइजेशन होती क्या है। विजुलाइजेशन बेसिकली एक कन्वर्जन है डाटा को एक विजुलाइज फॉर्म में या टेबुलर फॉर्मेट में, इस तरह से कि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब जो भी उनकी फॉर्मूला है, कितना सेट ऑफ डाटा है, उसकी क्या हाइट है, क्या फ्रिक्वेंसी है, इस तरह उनको विजुलाइज करने के लिए, और क्या उनके बीच में रिलेशनशिप है डाटा आइटम्स के बीच में, उन सब को रिपोर्ट करना और एनालाइज करने के लिए बेसिकली एक टेबुलर फॉर्मेट में हम उनको विजुलाइज कर देते हैं, उनको डिस्प्ले करा देते हैं, ताकि किसी भी जो भी कोई देखे उसके लिए उसको समझना आसान हो। विजुलाइजेशन बेसिकली जो है डाटा की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और पावरफुल टेक्निक है। वो इस तरह से कि जो अगर हम कॉमन एक बात करें तो ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करना उसके लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि अगर एक बहुत बड़ा डाटा है तो अगर वो टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले किया हुआ हो कि इतने नंबर ऑफ डाटा है, इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इतने काउंट है, इतनी फ्रीक्वेंसी है, तो उसको विजुलाइज करना एक टेबुलर फॉर्मेट में, उसको रीड करना और अंडरस्टैंड करना ज़्यादा बेटर है कि इंस्टेड ऑफ के उसको ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में लिखा हुआ हो। तो इसलिए जो है उसको विजुलाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन को ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा उस पर कोई भी अगर जनरल पैटर्न्स लगे हों या ट्रेंड्स लगे हों तो उनको डिटेक्ट करना ज़्यादा आसानी हो जाती है कि किस साल में जो है पॉपुलेशन ज़्यादा था, किस साल में कम था, किस साल में कितना था। अगर आप पॉपुलेशन की एक टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करा रहे हैं तो उसको विजुलाइजेशन के थ्रू अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ईजीली है। इसी तरह आउटलायर्स और अनयूजुअल पैटर्न्स को भी विजुलाइजेशन के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है। अब इसमें अगर हम एग्जांपल देखें एक सी सरफेस टेम्परेचर की, एज यू कैन सी, इसमें हम जो देख रहे हैं कि डिफरेंट कलर से एक जो सी का टेम्परेचर है उसको समराइज़ किया है। ठीक है, इसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डाटा है जो पॉइंट कर रहा है एक बेसिकली जुलाई 1982 के सी सरफेस टेम्परेचर को। एज यू कैन सी कि जो बिल्कुल से डार्क कलर है उसको 30 डिग्री से पॉइंट आउट किया हुआ है। इसी तरह अगर हम बात करें 25, इस तरह 20 येलो से और ब्लू और देन फिर डार्क ब्लू, मतलब इस तरह से डिफरेंट कलर्स दे दिए हैं। और इसको जो विजुलाइज कराया है ग्राफ में, उसमें हमने दिखा दिया कि लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड के थ्रू दिखा दिया कि किस लैटीट्यूड में कितना टेम्परेचर था और कितना नहीं था। तो इस तरह से हमने एक टेम्परेचर को इजीली विजुलाइज कर दिया कि एक लेम मैन भी इसको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। एज यू कैन सी कि इससे एक पैटर्न भी हमें पता चल रहा है कि जो यानी कि लैटीट्यूड जो नीचे वाले हैं लैटीट्यूड हैं उसमें जो टेम्परेचर है वो लो है, और इसी तरह जो ऊपर वाले हैं उसमें भी लो है, जो मिड वाले हैं उनमें ज़रा सी सरफेस टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है। अब इसी तरह अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन एंड डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें, यानी जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है उसको मैप करते हैं बेसिकली विजुअल फॉर्मेट में। उनके जो डाटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं और फिर उनके एट्रीब्यूट्स, उनके क्या रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट डाटा आइटम्स, उनको बेसिकली एक ग्राफिकल एलिमेंट्स में ट्रांसलेट करना। वो इस तरह से कि पॉइंट्स होगी, लाइंस होगी, शेप्स होंगे, कलर्स होंगे, जैसे हमने ऊपर देखा कि हमने कलर से उनको डिस्प्ले किया टेम्परेचर को। एग्जांपल फॉर एग्जांपल के ऑब्जेक्ट्स जो हैं ऑफन रिप्रेजेंट करते हैं एज अ पॉइंट, जो हमने ऊपर देखे। उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी पोजीशन से, कि जो जो उसकी पोजीशन है उसको कैरेक्टरिस्टिक को उनको पॉइंट आउट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कलर हो गया, साइज़ हो गया, शेप हो गया। जैसे हमने टेम्परेचर में देखा कि हमने कलर से उनको पॉइंट आउट किया था कि कलर के हिसाब से कि टेम्परेचर कितना होगा कितना नहीं होगा। अगर तो पोजीशन यूज़ हो चुकी है तो फिर उसके रिलेशनशिप के, उसके डिफरेंट जो भी पॉइंट्स हैं उनके रिलेशनशिप्स को हम विजुलाइज करते हैं, जिस तरह के जो ग्रुप पॉइंट फॉर्म ग्रुप कर रहे हैं या नहीं, या पॉइंट आउटलायर है कि नहीं, ये जो है ना बेसिकली ये आराम से पता चल जाता है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि एक एक्यूरेसी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में ग्राफ बनाया हुआ है, और इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि J48, NBS, IBK3, इनके डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हमने रखी है रिप्रेजेंट करने के लिए इनको। जैसे J48 का एक स्क्वायर है ब्लू कलर का, इस तरह IBK3 का डाउनवर्ड ट्राइंगल है, तो IBK7 का अपवर्ड जो है ट्राइंगल है। तो उनको फिर इसमें बेसिकली ग्राफ में उनको मैप आउट कर दिया है डिफरेंट से कि कितनी इस J48 की कितनी एक्यूरेसी है और उसमें कितनी डिस्क्रिमिनेशन आ रही है। तो इस तरह डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसी डायग्राम में अगर विजुअलाइजेशन में बात करें, रिप्रेजेंट करने के बाद जो सबसे मेन पॉइंट है वो अरेंजमेंट, डाटा को अरेंज करना एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में विजुअलाइज के डिस्प्ले करने के लिए, ताकि जो भी यूज़र है या रीडर है उसको बेसिकली अंडरस्टैंडेबिलिटी हो जाए आराम से। अगर तो वो सही से ऑर्गेनाइज नहीं है तो ज़ाहिर बात है समझने में बहुत मुश्किल होगी। तो इस वजह से अगर अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी पार्ट है डाटा को विजुलाइज कराने के लिए, क्योंकि जितना आप अरेंजमेंट उनकी अच्छी करेंगे उतना वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा डाटा को समझना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, हमने उसको 1 2 3 4 5 6 करके इसी तरह जो भी उनका डाटा था वो अरेंज कर दिया कि 1 to 1 रिलेशनशिप 0 है, 1 to 2 1 है, 1 to 3 0 है। इस तरह मतलब डाटा को हमने ऑर्गेनाइज फॉर्म में उसको अरेंज कर दिया। इसी तरह अगर हम डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की शेप्स के बारे में बात करें तो डिफरेंट शेप्स होती हैं। अगर तो डाटा जो है वो मीन और मॉड यानी राइट साइड पे लाई कर रहा है, यानी जो भी वैल्यूज़ हैं उनकी राइट साइड पे वैल्यूज़ में से मीन मॉड आ रहा है तो उसको हम कहेंगे राइट स्क्यूड, और अगर वो सेंटर में है बिल्कुल तो वो सिमेट्रिक होगा, और अगर लेफ्ट साइड पे है तो उसको लेफ्ट स्क्यूड कहेंगे। अब मैं आपको बताऊँगी विजुअलाइजेशन की जो टेक्निक्स हैं, उसमें सबसे पहली है हमारे पास हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक भी आप कह सकते हैं, जिसमें आप ग्राफ के थ्रू एक जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, डाटा है उसका, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें करते क्या है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़ हैं उसको आप मतलब डिस्प्ले कराते हैं, शो कराते हैं। होता क्या है कि उनको जो भी वैल्यूज़ हैं उनको एक बिन्स में डिवाइड कर देते हैं और एक बार प्लॉट बेसिकली जो है वो जो भी उसका नंबर है उसको ऑब्जेक्ट के अंदर, ईच बिन के अंदर उसको डिस्प्ले करा देते हैं, डिवाइड करा देते हैं। अब जो हाइट है ईच बार की वो इंडिकेट करती है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और जो शेप ऑफ अगर हिस्टोग्राम की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ बिन्स की कितनी है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे, पेडल विथ हमने बेसिकली यहाँ पे डिस्प्ले करवाई है कि आप देख सकते हैं कि पेडल की जो विड्थ है वो नीचे है, यानी 0 0.5 1 1.5, और जो उसके काउंट है यानी नंबर वो है हमारे पास 0 5 10। अब आप देख सकते हैं कि पहला जो है हमारे पास बार वो बहुत अप है, इसका मतलब है कि जो 0 से लेके 0.5 के बीच में जो हमारे पास पेटल विड्थ थी वो वाले जो मतलब पेटल्स हैं उनकी नंबर 40 तक है। ठीक है, और अगर 0.5 से 1 तक के देखें तो उनके काउंट बहुत कम है, लाइक 0 से 5 के बिटवीन है, यानी बहुत लो है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एक हमारे पास एक ग्राफ टाइप सा आ गया है। तो इस तरह से हमने पेटल विड्थ को हमने डिस्प्ले करा दिया है ग्राफ के थ्रू। अगर की ही बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं इस एग्जांपल में हमने एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और हाइट को डिस्प्ले किया है। तो इसमें हमारे पास जो लाइन बनी हुई आ रही है इसका मतलब है कि डाटा क्या है हमारे पास सिमेट्रिक है, क्योंकि ये बिल्कुल ये बीच में इसका जो मीन और मॉड है आप देख सकते हैं कि जो शेप अगर आप देखें, शेप से भी हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो इसकी जो शेप है वो सिमेट्रिक है, यानी सेंटर में लाई कर रहा है, तो इस वजह से ये डाटा क्या है सिमेट्रिक है। अब हम हिस्टोग्राम्स की ही बात करें तो इसमें 2 डायमेंशनल हिस्टोग्राम्स भी होते हैं, जिसमें बेसिकली 2 डायमेंशनल इस तरह से कि जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑफ द वैल्यूज़ और जो 2 एट्रीब्यूट्स की, उसको शो कराने के लिए हम 2 डायमेंशनल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पेटल विड्थ एंड पेटल लेंथ। अब इसमें हमारे पास दोनों आ गए, हम पहले क्या देख रहे थे, सिर्फ विड्थ देख रहे थे एक पेटल की, और अब हम उसकी लेंथ भी देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि उसकी पेटल विड्थ कितनी है और पेटल लेंथ कितनी है, फिर उनको दोनों को ऐड करके हम उसका देख रहे हैं कि उन दोनों को मिला के कितना काउंट है। अगर 0.5 से 1 तक की विड्थ है और उसकी लेंथ जो है वो 0 से 2 तक है तो उनका काउंट कितना है, इसी तरह हमने फर्दर भी देख रहे हैं। तो ये हमारे पास होते हैं 2 डायमेंशनल हिस्टोग्राम। अब हम जो नेक्स्ट टेक्निक के बारे में बात करेंगे वो है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स में हमारे पास डिफरेंट हैं, लाइक परसेंटाइल, डिसाइल्स, क्वांटाइल्स और क्वार्टाइल्स। परसेंटाइल में हम क्या करते हैं कि जो डाटा है उसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 100 इक्वल पार्ट्स में, लाइक P1, P2 और लेके P99 तक। डिसाइल्स में हम लोग आप देख सकते हैं कि 10 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 10 इक्वल पार्ट्स में, लाइक अगर हम देखें तो P1, P2 से D1, D से लेके कहाँ तक, D9 तक। इसी तरह अगर हम क्वांटाइल्स की बात करें तो डाटा को हम 5th यानी 5 इक्वल पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं, और क्वार्टर यानी कि 4, तो हम डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में हम उससे डिवाइड कर देते हैं, Q2 और Q3। अब इसमें अगर हम डाटा की देखें, जैसे ऊपर हमने देखे थे राइट, लेफ्ट, स्क्यूड और सिमेट्रिक, तो अगर डाटा बिल्कुल इक्वल है, लाइक 25% एक यूनिफॉर्म लाइन आ रही है तीनों की, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म। अगर हमारे पास सिमेट्रिक डाटा है तो इसको हम बेल शेप्ड कहेंगे, और अगर राइट स्क्यूड है यानी राइट की तरफ है तो हम उसको राइट स्क्यूड कहेंगे, और अगर लेफ्ट की तरफ डाटा ज़्यादातर आ रहा है यानी लेफ्ट की आपकी शेप बन रही है, माउंटेन जो उसकी हाइट है, तो हम उसको लेफ्ट स्क्यूड कहेंगे। अब इसी में हमारे पास आ जाता है 5 नंबर समरी। अगर हम 5 नंबर समरी की बात करें तो उसमें हम लोग 5 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, मिनिमम, फिर Q1, Q2, Q3 और उनका मैक्सिमम। इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम जो यानी Q3 था उसको Q1 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। और लिमिट्स ऑफ डाटा सेट निकालने के लिए हमारे पास 2 हैं, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट के लिए हम Q1 को माइनस कर देंगे 1.5 इंटू जो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आई है, और अपर लिमिट के लिए हम Q3 में ऐड कर देंगे 1.5 इंटू जो हमारी क्वार्टाइल रेंज आई है। अब आउटलायर डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास ये है कि जो ऑब्जेक्ट बिलो द लोअर लिमिट या अबव द अपर लिमिट है तो वो हमारे पास आउटलायर्स होंगे। हम एग्जांपल देखेंगे कि हमारे पास एक डाटा आया है 3, 12, 7, 40। अब इसमें हमने 5 नंबर समरी जो है वो फॉलोइंग नंबर्स की फाइंड करनी है, तो वो किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले तो हम इनको सॉर्ट करेंगे, क्योंकि मीडियन मॉड निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डाटा को सॉर्ट करना पड़ता है। तो हमने इनको सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। फिर हमने इसका मीडियन आइडेंटिफाई किया जो कि हमारे पास सेंटर निकला यानी कि 14। फिर अब हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर यानी मैक्सिमम और मिनिमम, तो वो हमने निकाल लिए 3 और 40। अब हमने इनका जो निकाल लिए हैं, उसके बाद हमने स्मॉलेस्ट जो हमने नंबर निकाले हैं उसके बीच में जो है हमने मीडियन निकालना है, यानी कि जो हमारा 3 से लेके 14 का बीच में कौन सा मीडियन है, वो क्या है हमारे पास 9। उसके अलावा जो है हमने लार्जेस्ट से लेके और जो हमारा मीडियन पहले निकला था उसके बीच का मीडियन भी हमने निकाल लिया जो कि हमारे पास आ गया 17। निकालने के बाद हमने उनको हमने एक विजुअलाइज कर लिया कि हमारे पास कौन सी ऐसी वैल्यूज़ है जो हमें चाहिए। 3 हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है सेट में यानी मिनिमम आ गया। मीडियन अगर 9 की हम बात करें तो वो हमारे पास आ गया मीडियन बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द मीडियन 9, और मीडियन ऑफ द इंटायर यानी पूरे जो डाटा सेट था उसका 14 निकल आया। और 17 जो है हमारे पास Q3 हो गया जो कि था मीडियन बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर एंड द मीडियन, और 40 हमारे पास क्या आ गया मैक्सिमम नंबर यानी लार्जेस्ट नंबर फुल इंटायर सेट का। अब हमने जैसे ये तो निकाली, अब हमारे पास इसमें पूरी जो 5 नंबर समरी थी हमारे पास, ये हमारे पास उसके 5 नंबर्स आ गए 3, 9, 14, 17 और 40। अब इसी को हमने विजुलाइज किस तरह से कर दिया। विजुलाइज हमने इसको इस तरह से कर दिया कि हमने एक टेबुलर फॉर्मेट में बेसिकली हमने 5 नंबर समरी को एक विजुलाइजेशन के थ्रू हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि स्मॉलेस्ट हमारे पास 4 आ गया, मीडियन हमारे पास आ गया के 24, और इसी डाटा का जो हमारे पास डाटा सेट था इसके जो अब अगर हमने कैलकुलेट करना है, ये जो हमारे पास डाटा सेट बेसिकली गिवन था इसका हम निकाल रहे थे, तो हमारे पास इसका मीडियन, क्योंकि सबसे पहले हमने इसको सॉर्ट किया है, हमारे पास सॉर्टेड डाटा नहीं था। ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मैंने इसको किया हुआ इसलिए मैं आपको इससे शो करा रही हूँ कि मीडियन हमारा 33 निकल आया, और फिर लार्जेस्ट और उसके बीच का जो मीडियन था वो 39.5, और मैक्सिमम नंबर हमारे पास 50। तो ये हमने मतलब पहले हमने एक डाटा सेट का देखा और ये भी हमने दूसरे डाटा सेट का देख लिया किस तरह से हम इसकी 5 नंबर समरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और डाटा सेट है, हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास था 4, 8, 2, 19, 11, 6, तो इसको अब हमने सॉर्ट आउट कर लिया 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह सॉर्ट आउट कर लिया। सबसे पहले हमने इसका मिनिमम नंबर देखा जो कि था हमारे पास 2, और मैक्सिमम हमारे पास निकला 22, 21, और इनका जो हमने इनका मीडियन निकाला जो कि निकला 10.5। अब हमने स्मॉलेस्ट और मीडियन के बीच का मीडियन निकालना था जो कि निकला 5.5। फिर इसी तरह हमने मीडियन के बीच में और लार्जेस्ट के बीच का मीडियन निकालना था तो वो निकला है 16.5। तो ये हमारे टोटल इस डाटा सेट की 5 नंबर समरी निकल आई जो कि थी 2, 5.5, 10.5, 16.5 एंड 21। इस तरह अगर हम बात करें कि अब हमने जो डाटा निकाला है 5 नंबर समरी को, इसको अब हमने 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर देना है। किस तरह से कि 3 से लेके जो हमने डाटा सेट सबसे पहले वाला निकाला था उसकी हम बात करें कि 3 से लेके 9 तक, ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर हो गया। 9 से लेके और सेकेंड यानी जो इंटायर मीडियन निकला था उससे लेके वहाँ तक हमारे पास सेकेंड क्वार्टर हो गया, और इसके अलावा जो थर्ड क्वार्टर है 14 से लेके 17 तक हमारे पास थर्ड होगा, और 17 से मैक्सिमम तक हमारा फोर्थ क्वार्टर हो गया। तो ये हमने उनको यानी कि जो फोर्थ क्वार्टर में हमने उनको डिवाइड कर दिया। अब हम इनकी बात करेंगे फर्दर, वो है इनर क्वार्टाइल रेंज। अगर इनर क्वार्टाइल रेंज के बारे में बात करें तो अब हमने उनकी क्या निकालनी थी, अपर और लोअर क्वार्टाइल्स। उसको निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था कि हमने जो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर थे हमारे पास यानी Q1 और Q3 थी, जो हमने 4 क्वार्टाइल्स इसके निकाले हैं। Q1 को हमने माइनस करना था 1.5 इंटू IQR और Q3 को हमने ऐड करना था इंटू 1.5 इंटू जो हमने अपनी क्वार्टाइल रेंज निकाली है। ठीक है, तो लोअर क्वार्टाइल निकालने के लिए हमने देखा कि जो सेकंड नंबर है इन द फिफ्थ 5 नंबर समरी वो होगा, यानी कि 25% ऑफ ऑल द नंबर्स इन द सेट जो है वो Q1 से स्मॉलर हैं। ठीक है, Q1 हमारे पास क्या था 9 1, यानी 9 1 से जो नीचे हैं वो हमारे स्मॉलर नंबर में आ जाते हैं। इसी तरह अपर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए हमारे पास कौन से नंबर आ गए जो कि 17 से यानी अबव हैं, वो हमारे पास क्या आ गए 25, यानी कि वो जो हमारे पास है वो अपर क्वार्टाइल रेंज आ गई। ये तो हमने निकाल लिए, अब हमने ये देखना है कि क्या मतलब व्हाट परसेंट जो भी सारे नंबर्स हैं वो बिटवीन Q1 Q3 के बीच में कितने परसेंट जो हैं वो नंबर्स हैं। अब 25% हमारे लोअर थे और 25% हमारे अपर लेवल से थे, तो फिजाई बात है बीच में कितने बच गए हमारे पास 50%, यानी 50% जो नंबर्स हैं वो हमारे Q1 एंड Q3 के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जब हमारे पास निकलेगा इसको हम कहेंगे क्या, इनर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो साइज ऑफ जो इनर क्वार्टाइल रेंज है वो डिस्टेंस है बिटवीन Q1 एंड Q3, जैसे हमने ऊपर देखा कि Q1 से Q3 से माइनस करना है हमने Q1 के, तो Q1 हमारे पास था 9 और Q3 हमारे पास 17, तो हमने उनको माइनस किया, हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या आ गई 8। अब आउटलायर डिटेक्शन के लिए हमने ऊपर देखा था कि जो भी लोअर लिमिट से नीचे होंगे वो और जो अपर लिमिट से ऊपर होंगे वो हमारे क्या होंगे आउटलायर्स होंगे। तो उनको डिटरमिन करने के लिए हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज को 1.5 से, और हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 12। जो 8 है वो हमारी क्या थी जो हमने देखी अभी इंटर क्वार्टाइल रेंज थी, और इसी तरह हमने आउटलायर निकाल लिया कि आउटलायर कोई भी ऐसा नंबर होगा जो 12 से लेस होगा यानी Q1 से, या मोर देन 12 होगा, तो वो हमारे पास क्या होगी क्वार्टाइल। एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल एज वेल कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं अगर हमने 17 में +12 किए हैं तो उसके एक्सटेंड जो भी नंबर होंगे हमारे पास वो हमारे पास आउटलायर होगा, यानी 17 में हमने 12 प्लस किए तो वो 39 आया, तो यानी जो 40 नंबर है वो हमारे पास आउटलायर आ रहा है। लेकिन अगर हमने 9 में -12 किए तो वो क्या आ रहा है -3, तो हमारा डाटा तो 3 तक था। इसका मतलब कि हमारे पास लोअर लिमिट पे कोई क्वार्टाइल नहीं है, लेकिन अपर लिमिट पे हमारे पास एक आउटलायर आ गया है जो कि है 40। तो इस तरह हमने जो है एक पूरा डाटा सेट का आपने देखा कि 5 नंबर समरी यूज़ करके हमने किस तरह से डाटा के अंदर हमने आउटलायर को डिटेक्ट कर लिया। अब इसी में जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है वो है बॉक्स प्लॉट्स। बॉक्स प्लॉट जो है वो अनदर एक टेक्निक है जो इन्वेंट की गई बाय जे टकी टू बेसिकली टू विजुलाइज डाटा, और इसमें हम लोग बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा को जो हम डिस्प्ले करते हैं किस तरह से कि एज यू कैन सी हमारे पास एक बॉक्स है जो कि डिस्प्ले कर रहा है डाटा को। इसमें जो मिड है यानी जो रेड लाइन है वो हमारी 50% को शो कराती है, और जब ऊपर जो 75% को डिस्प्ले कराती है। इसी तरह उसकी जो नीचे बिलो लाइन है वो 25%, और सबसे नीचे जो है वो हमारे पास 10%, और सबसे ऊपर हमारे पास 9%। अब जो 90% से जो ऊपर वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास आउटलायर हो जाएंगी। तो इस तरह से हम बॉक्स प्लॉट में डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा को। अब इसी के अगर हम आगे एग्जांपल देखें कि किस तरह से उसको कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास आता है सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल की विड्थ। अब एज यू कैन सी कि हमारे पास जो सेपल लेंथ है और सेपल विड्थ है वो हमारे पास डाटा काइंड ऑफ आपस में क्लस्टर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन जो पेटल लेंथ है वो ऑल ओवर द प्लेस है, मतलब उसकी जो वैल्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है, उसका बॉक्स एज यू कैन सी कि बहुत बड़ा है, लेकिन पेटल विड्थ जो है वो उससे लेस ऑल ओवर द प्लेस है। तो इस तरह से जो है हम बॉक्स प्लॉट्स को हम एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसी में अगर हम कंपेयरिंग को देखें तो किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे हमने ऊपर भी देखा कि अगर डाटा बिल्कुल यानी एक ही सिमिलर लाइन पे है तो हम उसको यूनिफॉर्म डाटा कहेंगे, और अगर वो बेल शेप्ड है यानी स्मॉल बॉक्स है थोड़ा सा और सेंटर में है, बिल्कुल Q1 Q2 सेंटर में लाई कर रहे हैं तो वो बेल शेप्ड है, और अगर वो राइट साइड पे है तो उसको हम राइट स्क्यूड कहेंगे, और अगर लेफ्ट साइड पे बॉक्स लाई कर रहा है तो उसको हम लेफ्ट स्क्यूड कहेंगे। जिससे हमने ऊपर थोड़ी सी जो हमने देखा था उसमें से जो हमारे पास सेपल लेंथ था वो हमारे पास काइंड ऑफ अगर हम देखें तो लेफ्ट स्क्यूड आ रहा था। इसी तरह जो सेपल वेट थी वो हमारे पास एक्चुअली में हमारे पास बेल शेप में आ रहा था। तो इस तरह से हम डाटा को जो है कंपेयर कर सकते हैं बॉक्स प्लॉट में। अब इसी में हमारे पास विजुअलाइजेशन टेक्निक में जो लास्ट टेक्निक है वो है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट में बेसिकली एट्रीब्यूट वैल्यूज पोजीशन को डिटरमिन करते हैं किस तरह से कि इसमें जो है हमारे पास टू डायमेंशनल भी होते हैं स्कैटर प्लॉट्स। मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो टू डायमेंशनल होते हैं, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ लाइक थ्री डायमेंशनल एज वेल स्कैटर प्लॉट में। इसके अलावा जो है ये जो एट्रीब्यूट्स एडिशनल अगर हमने एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना हो तो हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग लाइक डिफरेंट साइज शेप एंड कलर जो भी मार्कर्स के हों जो एक बेसिकली ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करें। इसके अलावा जो अगर हम यूज़फुलनेस की बात करें तो स्कैटर प्लॉट यूज़फुल होते हैं एरेज़ को डिस्प्ले कराने में, क्योंकि एरेज़ का अगर हम समराइज़ करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है डिफरेंट रिलेशनशिप्स को, सेवरल पेयर्स के एट्रीब्यूट्स को। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यू कैन सी के एक आइरिस एट्रीब्यूट्स के डिफरेंट जो आइरिस एट्रीब्यूट्स हैं उनको हमने डिस्प्ले कराया है। जो हमारे पास पेटल वेट थी, पेटल लेंथ थे, सेपल वेट लेंथ, और उनके हमने डिफरेंट उनको साइज़, और हमने देखा कि हमने उनको डिफरेंट एक साइज़ दे दी, डिफरेंट शेप दे दी हैं, और कलर्स भी लाइक सेटूसा का हमने क्रॉस दे दिया है, वर्सी कलर को एडिशन और वर्जीनिका को सर्कल। इस तरह यू कैन सी के डिफरेंट जो ब्लू वेट के जो शो हो रहे हैं डिस्प्ले हो रहे हैं वो एज यू कैन सी जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें हमारे पास आ रहे हैं। सेटूसा है बेसिकली जो सेपल लेंथ और पेटल वेट को डिस्प्ले करा रहे हैं। इसी तरह सेपल वेट में एज यू कैन सी कि जो हमारे पास सेटूसा है वो नीचे लाई कर रहे हैं और जो वर्सिकलर और वर्जिनिका है वो एक दूसरे के अंदर लाई कर रहे हैं। मोस्टली जो बॉक्सेस में आप देख सकते हैं कि वो एक दूसरे के काउंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन जो सेटूसा है वो दोनों से हर बॉक्स में बेसिकली डिफरेंट अलग अलग है। तो इस तरह से हम स्कैटर प्लॉट को जो एरे है एक एरे एट्रीब्यूट को या किसी भी एरे एट्रीब्यूट्स को हम इस तरह से स्कैटर प्लॉट यूज़ करके हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।